हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल का रिजल्ट कब आउट होगा। देखो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन पे सबसे ज़्यादा मैसेज इसी का था, भैया रिजल्ट कब आउट होगा। देखो, मैं खुद मणिपाल वाले से बात किया हूँ, मुझे 7 जून को बताया गया रिजल्ट अनाउंस होगा। बहुत सारे बच्चे बात किए हैं, उसे 5 जून को ही बताया गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल रिकॉर्डिंग ही भेजे हैं, तो लगभग अलग अलग डेट बताया जा रहा है। किसी को 5 बताया जा रहा है, किसी को 6 बताया जा रहा है, मुझे 7 बताया गया है तुम्हारा। तो मैक्स टू मैक्स तुम 9th मान लो, 9 जून तक तुम्हारा रिजल्ट आराम से अनाउंस हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भैया कितने कितने मार्क्स पे कितने कितने रैंक बनेंगे। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कितने कितने मार्क्स पे कितने कितने रैंक बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इज अ मणिपाल में MET स्कोर को भी लिया जा रहा है और बोर्ड के भी मार्क्स को लिया जा रहा है। अगर तुम ये देखोगे कितने कितने मार्क्स पे कितने कितने रैंक बने थे, वो सारा का सारा वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे देख लो एग्जैक्ट कितने कितने मार्क्स पे कितने कितने रैंक बने थे, रैंक 2 का, रैंक 47 का, सारे बच्चे का वहाँ पे फीडबैक वीडियो भी अवेलेबल होगा, तुम कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो। बट मेरा जितना भी वीडियो रहता है, सारा का सारा वीडियो एग्जैक्ट रहता है, परफेक्ट डेटा रहता है। इसी कारण से मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। इतना दिन वेट किए हो, थोड़ा और वेट कर लो, 9th जून तक तुम वेट कर लो, कन्फर्म तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा, इस बात को तुम याद रखना। बहुत ऐसी बातें हैं मणिपाल की जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो बच्चे जो मेरे काउंसलिंग में जुड़ रहे हैं, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले इतना चीज तुम जान लो। देखो, यहाँ पे मैं कंप्लीट काउंसलिंग का वीडियो बना दूंगा, एक एक डेटा मेरे पास एक्यूरेट डेटा रहेगा तुम्हारा। उसके बाद सेफ स्कोर के रिगार्डिंग बात करूं मैं, अगर तुम्हारा 150 मार्क्स या फिर 130 मार्क्स के तुम्हारा ऊपर है, अब बोर्ड में तुम्हारा 85% से ऊपर, तो अपने को सेफ मान सकते हो। CSE नहीं तो CSE स्पेशलाइजेशन मेन कैंपस में कंफर्म मिल जाएगा, 150 प्लस है तुम कंफर्म मान लो CSE तुम्हें मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। मार्क्स वर्सेस रैंक, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जैक्ट कितने मार्क्स पे कितने रैंक बने हैं। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग 2 वीडियो बना दिया हूं, और स्पेसिफिक जाइए किसी कैंपस के रिगार्डिंग, लाइक जयपुर कैंपस में कैसा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, बैंगलोर कैंपस में क्या, सिक्किम कैंपस में क्या, मेंशन करो तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। उसमें बहुत ऐसे ऐसे बात है कॉलेज के रिगार्डिंग जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में जुड़े हुए मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे बता देने का। और देखो, मैं वीडियो इसलिए मणिपाल का नहीं बना रहा हूँ, मैं एक एक डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, CSE में कौन कौन सी कंपनी आई है, स्पेशलाइजेशन में कौन कौन सी कंपनी आई है, किस तरह कंपनी रिसेंट टाइम में विजिट किया गया, सारा डेटा मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। लाइक मणिपाल जयपुर का A to Z कंपनी का PDF मेरे पास है, मणिपाल मेन कैंपस का PDF है मेरे पास। देखो, तुम्हारा बोल सकते हो बैंगलोर कैंपस का डेटा कम मिल रहा है मेरे पास, बट इंटर्नशिप के लिए कितनी कंपनी आई है ये मैं बता सकता हूँ, सारा डेटा मेरे पास कलेक्ट करके मैं रखा हूँ। इसी का थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जितने बच्चे मेरे काउंसलिंग में जुड़ रहे हैं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अच्छे से गाइड कर दूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने साइड से मैक्सिमम दू काउंसलिंग के टाइम, जितना बेस्ट काउंसलिंग हो सकता है वो मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी कॉलेज में तुम जा रहे हो जहाँ पे तुम 4 साल रहने वाले हो, एटलीस्ट ट्राई करो 4 से 5 घंटा निकाल के उसके रिगार्डिंग सर्च कर लो कॉलेज कैसा है। ये मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ सारे के सारे कॉलेज में, किसी भी कॉलेज तुम वेबसाइट पे मत जाओ, वेबसाइट पे बोल सकते हो 90% फॉल्ट रहता है, ठीक है। कैसे स्कैम होता है वेबसाइट पे, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ट्राई करूँ उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का, बट मैं वीडियो बनाना नहीं चाहूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा, किसी भी कॉलेज तुम ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट कॉलेज बच्चे पढ़ रहे, तुम उससे बात करो, वो कॉलेज के रिगार्डिंग अच्छे से रियलिटी बता देंगे। वैसे बच्चे जो मेरे काउंसलिंग जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो, मैं अपने साइड से मैक्सिमम दूंगा काउंसलिंग के टाइम। मैं इतना गारंटी देता हूँ, कॉलेज जाने से पहले सर्च बता दूँ कॉलेज में क्या कंपनी आ रही है, कैसे तुम तैयारी कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉलेज जाने से पहले, मैं सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा, कंप्लीट मैं काउंसलिंग खुद करके दूंगा, चॉइस फिलिंग में मैं करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब तक तो तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं करते हो, जब तक तो तुम कॉलेज एंटर नहीं करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर तक यहाँ पे होता है तुम्हारा, जैसे काउंसलिंग देख लोगे ना, यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 8 राउंड तक होता है, बट लास्ट ईयर 4th राउंड तक ही हुआ था, इंट्रा राउंड, स्पोर्ट राउंड, फर्स्ट सेमेस्टर तक ऐसे ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप है, जो भी स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए होगा मैं ट्राई करूंगा, मैं फॉर्म फिल करवा के स्कॉलरशिप दिलवाने का मैं ट्राई करूंगा। अगर तुम लोन लेना चाहते हो, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता, नहीं करना होता, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा। सारा डिस्कशन तुम्हारा जूम मीटिंग पे होगा या गूगल मीटिंग पे होगा, अगर नेसेसरी हुआ तो, अदरवाइज 24/7 कॉलिंग फैसिलिटी तुम्हारा रहेगा। कॉलेज जाने से पहले मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। शायद यहाँ पे सबको आइडिया हो गया होगा रिजल्ट कब आउट होगा तुम्हारा, और मैं इंपॉर्टेंट चीज था बता दिया हूँ, कोई भी डाउट आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूंगा कॉमेंट देखूँ उसके रिप्लाई कर दूँ, अदरवाइज स्पेसिफिक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। मैं बता रहा हूँ 9th जून से पहले तुम्हारा कन्फर्म रहो, 9th जून से पहले तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे 7th बताया गया, किसी बच्चे को 6 बताया गया, किसी बच्चे को 5 बताया गया है, क्योंकि सारा सब रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, इसी कारण से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर, यहाँ कंप्लीट आइडिया हो गया, जिस बच्चे को जुड़ना हो काउंसलिंग में, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म हो, फॉर्म को फिल कर दो, मैं ट्राई करूँगा अपने मैक्सिमम देने का। सारा का सारा वीडियो चैनल पे आएगा, अगर चाहे तुम सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम बेनिफिट होगा अगर तुम मणिपाल VIT सब कॉलेज में जा रहे हो तो। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लगता हूँ मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, हो दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।